आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्याज से बनने वाले ऑनियन रिंग्स की रेसिपी। तीन तरह के ऑनियन रिंग्स मैं बताऊंगी यहाँ पर, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये बास्केट ऑनियन रिंग है, ये भी कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं घोल बना लूँगी, जिसके लिए 4 से 5 टेबल स्पून मैदा ले लेना है और 4 से 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, फिर नमक और काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालकर, पानी डालकर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और फिर एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली न रखें, इतना रहे कि ये प्याज के ऊपर टिके, इसकी एक लेयर उसके ऊपर आए। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें डालकर अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लूंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी और एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनके तैयार होगा। यहाँ पर मैंने बैटर में बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं दिया है, सिर्फ काली मिर्च का यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़े से ओरिगैनो, मिक्स हर्ब्स या चिली फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बैटर तैयार कर लेने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हुए हैं। जितने बड़े प्याज आपको मिल जाए उतने बड़े प्याज लें, तो जितने बड़े रिंग्स होंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी और अट्रैक्टिव ऑनियन रिंग्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस मैंने काटे हैं इस तरह से। सबसे पहले बीचों बीच वाला हिस्सा काट के अलग किया है और अब इसके रिंग्स मैं अलग अलग कर लूँगी। एक एक लेयर को अलग अलग करना है, सावधानी से करें ताकि ये जो रिंग्स हैं वो टूटे नहीं। और फिर यहाँ पर ऑनियन रिंग्स को तीन तरीके से तैयार करना है। सबसे पहला तो आप सिंगल सिंगल लेयर निकाल लें, तो यहाँ पर जो प्लेन वाली ऑनियन रिंग्स बनती है उससे ये बनके तैयार होगा। स्टफ्ड ऑनियन रिंग्स बनाने के लिए, ऑनियन बास्केट बनाने के लिए यहाँ पर ये जो पिछला वाला हिस्सा है प्याज का, इसे काट कर छील कर अलग कर लूँगी और इसके भी लेयर्स अलग अलग कर लेने हैं। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बास्केट्स बन के तैयार हुए हैं, तो यहाँ पर इनको मैं तैयार कर लूँगी। एक और तरीके से स्टफ्ड ऑनियन रिंग्स बनाना है, तो इसमें क्या करना है कि तीन लेयर वाली ऑनियन रिंग्स लें और बीच वाला हिस्सा आप प्लेन ऑनियन रिंग बनाने में यूज़ कर लें, और पहला और तीसरा वाला जो ऑनियन रिंग है इसके बीचों बीच हम स्टफिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप जोड़ी लगाकर अलग कर लें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो तीन तीन लेयर्स वाले ऑनियन रिंग्स हैं, इसमें से जो बीच वाला है इससे मैं जो हमारा प्लेन वाला ऑनियन रिंग बनेगा उसे बनाऊंगी, और ये जो पहला और तीसरा ऑनियन रिंग है इसकी जोड़ी लगा कर रख लूँगी, तो इससे स्टफ्ड ऑनियन रिंग बनके तैयार होगा। तो इस तरीके से ऑनियन रिंग्स काट कर सबसे पहले तो तैयार कर लें। यहाँ पर ये देखिए ऑनियन बास्केट जो है वो भी मैं निकाल लूँगी, जो पिछला हिस्सा है प्याज का। तो बिना किसी वेस्टेज के आप बहुत ढेर सारे ऑनियन रिंग्स बना सकते हैं। चलिए अब ऑनियन रिंग्स की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो जो प्लेन वाला ऑनियन रिंग है इसके लिए एक एक रिंग्स को लेना है और जो बैटर हमने तैयार किया है इसे अच्छे से कोट करके, दूसरी तरफ मैंने ब्रेड क्रम्स बना के रखा हुआ है इसे अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी और फिर इसे प्लेट में एक तरफ रख लूँगी। यहाँ पर ऑनियन रिंग्स को दो बार कोट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी ऑनियन रिंग्स बनेगा। ख़ास तौर पे जो स्टफिंग वाले ऑनियन रिंग्स हैं इनको अगर दो बार कोट करें तो जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आएगी और हमारा जो ऑनियन रिंग्स है बहुत ही क्रंची बनेगा, टेस्टी बनेगा। तो इसीलिए ये देखें, यहाँ पर पहले एक बार कोट कर लेने के बाद इसे मैंने करीब 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि ये जो कोटिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर दूसरी बार वापस इसे कोट करेंगे और फिर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये जो कोटिंग है ये अच्छे से सेट हो जाएगी और तेल में ज़्यादा बिखरेगी नहीं। तो इस तरीके से सारे ऑनियन रिंग्स तैयार कर लेने हैं। दूसरी तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसे तेज़ आँच पर कुरकुरा और सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। इसे पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसीलिए आप इसे मीडियम से हाई स्पीड पर फ्राई कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर एक एक करके ऑनियन रिंग्स को मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। बैटर में डुबोने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा बैटर है उसे निकाल लें और फिर आप ऑनियन रिंग्स को ब्रेड क्रम्स में डालें, तो इस तरीके से ब्रेड क्रम्स जो है वो ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही अच्छी सी लेयर ऑनियन रिंग्स के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए तेल गर्म है, यहाँ पर मैंने एक एक करके ऑनियन रिंग्स को डाला है। पहले हाई स्पीड पर रखा है, फिर मीडियम स्पीड पर रख के इसे सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए एक एक करके ऑनियन रिंग्स हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको मैं तेल में से निकाल लूँगी। सुनहरा और कुरकुरा हो जाने के बाद ही इनको तेल में से निकालें, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा सौगी भी होने लगते हैं तुरंत, क्योंकि ऑनियन जो है अंदर से पानी छोड़ने लगेगा।
फिर आप इसे गर्मा गर्म टोमेटो सॉस या मेयोनीज के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस तरीके से ऑनियन रिंग्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने टेम्पटिंग दिख रहे हैं ये। चलिए अब बनाते हैं बास्केट ऑनियन रिंग्स, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े आलू इस तरह से उबाल कर रखे हुए हैं। इनको मैं मिक्सिंग बोल में ले लूँगी और इनको हल्का हल्का क्रश कर लूँगी। फिर साथ ही साथ सब्जियों में लिया है 1/2 कप के बराबर बारीक कटा हुआ प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया ली है मैंने, ओरिगैनो काले मिर्च का पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स और चिली फ्लेक्स लिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। स्टफिंग को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 नींबू का रस डाल दिया है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप हरी मिर्च चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बच्चों को खाना है तो उन्हें हरी मिर्च नहीं पसंद आती है। फिर 1/2 कप के बराबर मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया है, इसे डाल दूँगी, इससे भी स्टफिंग में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। एक बात का ध्यान रखें, आलूओं की बहुत बड़ी बड़ी गुठलियाँ ना हो। यहाँ पर बाइंडिंग के लिए करीब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दूँगी, तो इससे फ्राई करते समय स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आएंगे। और इनको अच्छी तरीके से ये देखिए यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो हमारा जो स्टफिंग है ये बनके तैयार हो गया है। स्टफिंग को भी आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। अब एक एक ऑनियन बास्केट रिंग्स जो बनके तैयार किया है हमने, काट कर तैयार किया है जो ऑनियन के पिछले वाले हिस्से से, उसमें एक एक रिंग्स को लेना है और चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से भर लेना है इसी स्टफिंग से। तो प्याज जितना थिक हो उतने लेयर तक आप इसे भर लें और बिल्कुल उसी तरीके से फिर से कोट करना है जैसे बैटर में डुबोकर और फिर ब्रेड क्रम से 2 बार कोटिंग करेंगे, तो ये ऑनियन बास्केट रिंग्स भी बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम से कोट कर लेने के बाद इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। इस प्रोसेस को दोबारा वापस करना है जिससे कि ये जो फिलिंग है वो बाहर नहीं आएंगे। और इसी तरीके से सारे ऑनियन बास्केट रिंग्स तैयार कर लेने हैं। इनको भी तेज़ आंच पर मैं फ्राई कर लूँगी सुनहरा और कुरकुरा होने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ऑनियन बास्केट रिंग्स तैयार कर लिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद एक एक ऑनियन बास्केट रिंग्स को यहाँ डालना है और इनको सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, जब भी आप ऑनियन रिंग्स को फ्राई करें, चाहे इस तरीके से बास्केट रिंग्स या जो हमने इसके पहले सिंपल वाली बनाई है उसे, तेल में डालने के बाद तुरंत ही इसे बिल्कुल न छेड़ें। जैसे ही ऊपर से ये जो झाग बन रहा है ये सेटल हो जाए उसके बाद ही इसे पलट पलट कर हर तरफ से सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आप पहले ही छेड़ने लगेंगे तो ये जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है ये निकलने लगेगी और इससे ऑनियन रिंग्स का टेक्सचर और लुक दोनों ही ख़राब होगा। तो यहाँ पर ये देखिए ऑनियन बास्केट रिंग्स बनके तैयार हुआ है और कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये। स्टफिंग के साथ ये और भी ज़्यादा टेस्टी दिखता है। तो आप इसे अपनी पसंद की चटनी, मेयोनीज़ या टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक और तरीके का स्टफ्ड ऑनियन रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने 2 ऑनियन रिंग्स के लेयर्स अलग अलग किए हैं उसमें चीज़ लेना है, उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है, यानी जितना थिक हमारा ऑनियन रिंग्स है उतना चौड़ा ही स्ट्रिप्स काटना है चीज़ का। तो यहाँ पर एक एक लेयर चीज़ की बड़े वाले ऑनियन रिंग के अंदर की तरफ से लगा लेना है। अगर चीज़ ज़्यादा चिपक रहे हैं तो आप मैदा से उंगलियों को डस्ट कर लें, तो इससे चीज़ जो है ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। और फिर चीज़ को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ से लगा लेने के बाद जो दूसरा लेयर है उसे अंदर की तरफ से यहाँ पर डालकर अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से जितने भी लेयर्स मैंने लगा कर रखे हुए हैं सब में चीज़ स्टफ़ करके तैयार कर लूँगी। आप ये प्रोसेस बास्केट रिंग के साथ भी कर सकते हैं, उससे भी बास्केट ऑनियन रिंग्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चीज़ के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं ऑनियन रिंग्स। तो इनको यहाँ पर चीज़ के साथ स्टफ़ करके तैयार कर लें और फिर से इसे उसी तरीके से कोट करना है, पहले बैटर में डुबोकर और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम से 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें, अच्छे से कोटिंग सेट हो जाए, फिर दोबारा प्रोसेस फॉलो करें। तो इस तरीके से ये जो स्टफिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। ख़ास तौर पर जब आप चीज़ स्टफ़ कर रहे हैं तो चीज़ मेल्ट होकर बाहर निकलने लगते हैं, तो इसीलिए 2 बार कोटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने चीज़ स्टफ़ करने के लिए नॉर्मल जो चीज़ स्लाइस आता है उसे यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ की भी पतली पतली पट्टियाँ काट कर उसे भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनेगा ये ऑनियन रिंग्स। तो यहाँ पर ये देखिए अब एक एक करके तेल में ऑनियन रिंग्स को डालना है और इसे तेज़ आंच पर ही फ्राई करें। स्लो आंच पर अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो चीज़ जो है तुरंत ही मेल्ट होकर बाहर आने लगेंगे, यानी
ऑनियन रिंग सुनहरा और क्रंची होने के पहले ही जो चीज़ है वो बाहर ऊज आउट करने लगेगा, तो इसीलिए इसे हाई स्पीड पर ही कुरकुरा और सुनहरा होने तक फ्राई कर लें और फिर इनको तेल में से निकाल लें। इसे मेयोनीज चाहे टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें। चीज़ ऑनियन रिंग सभी को बहुत पसंद आते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ये चीज़ वाले भी ऑनियन रिंग्स। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।